हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वड़ा पाव करे पर कैसे बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा प्याज, अगर आप इसको नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं। आधा चम्मच मिर्चा और आदू की पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नींबू का रस और कटे हुए धनिया, तेल तलने के लिए और उबले हुए आलू आधा केजी से हमने पहले से उबाल रखे हैं। अब इन आलू को हम हाथों की मदद से मैश कर देंगे छोटे छोटे टुकड़े में। ऐसे करके हम सारे आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। तो हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम स्टोव ऑन करेंगे और उसको गरम कर। अब इसमें छोटे 3 चम्मच तेल लेंगे। धीमी आंच पर हमें इसको गरम करना है। ये हमने 3 चम्मच तेल ले लिए। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। इसको हल्के से गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये प्याज हमारा लगभग अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मिर्चा और आलू की पेस्ट लेंगे। इसको भी थोड़ा सा गर्म करना है। ये अच्छे से मिल गए। अब हम इसमें आलू जो हमने तैयार किए वो डाल देंगे। और इन सब इसको भी अच्छे से मिला देंगे। ये हमने डाल दिए है। अब हम इसमें सारे मसाले लेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला और नींबू का रस और आखिर में धनिया ले लेंगे थोड़े से। तो फ्रेंड्स, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए, हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। अब ये इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, 5 से 10 मिनट तक। धनिया डाल देते हैं हम इसमें। ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसको थोड़े आप जैसे चाहे आप इसके छोटे या बड़े गोल गोल बना सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत बड़े गोल नहीं बनाए। अक्सर बच्चों को ये छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितने अच्छे से इसको अच्छा अच्छा गोल बना दिया है। अब हम बेसन का खीरा बनाएंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा ये हम देख लेते हैं। बेसन 2 कप, एक बड़ा सा बाउल बेसन, सोडा, आधा चम्मच हींग, नींबू का रस
और ये स्वाद अनुसार नमक। तेल गरम हमने तलने के लिए तेल गरम करने रख दिया है। अब ये हम खीरा बना लेते हैं। तो अब इस बेसन में हम सारी चीज़ें मिला देते हैं। सोडा जो कि आप चाहे तो मिला सकते हैं, वरना अवॉइड कर सकते हैं। नींबू का रस डाल देंगे, नमक और ये हींग। अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमारी चीज़ अच्छे से मिल गई है। अब इसमें ज़रूरियत के हिसाब से हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। खीरा बहुत पतला और बहुत घट भी नहीं करना है, मीडियम करना है ताकि ये बड़े बड़े अच्छे से बड़े फूल सकते हैं। सोडा ना डाला है इसलिए। ऐसे ऐसे करके हम मिला लेते हैं। अब हम तेल गर्म हो चुका है इसलिए हम इस सारे वड़े को तलने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा पैन में डालेंगे ताकि चेक कर सकते हैं कि तेल एकदम अच्छे से आ गया ना। तेल एकदम गर्म होने के बाद ही इसमें वड़े तलने होंगे। अब एक एक करके हम पैन में ये वड़े डालते हैं। दूसरे स्टोव पर हमने खजूर और आमली की चटनी गर्म करने के लिए रख दी है। तो ये देखिए हमारे वड़े तैयार है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के बनाने हैं। और ये देखिए कितने फूले हुए लगते हैं सोडा डालने की वजह से। अब हम चटनी के बारे में बात करेंगे। ये चटनी उबल चुकी है और इसको हमने ब्लेंड करके फिर से उबालने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें ये सारी चीज़ें, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये कॉर्नफ्लोर जो कि हमने पानी से भिगो दिया है, वो सारी चीज़ हम चटनी में डालेंगे। ये पहले हम नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर और ये कॉर्नफ्लोर, और 2 मिनट तक इसको उबालेंगे फिर से ताकि ये कॉर्नफ्लोर की वजह से एकदम घट हो जाए। तो देखिए हमारी ये चटनी तैयार हो चुकी है और ये हमारे वड़े भी तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब।